So let's start the topic, shielding and protecting yourself from basically protection या शील्डिंग में मेजरली हम लोग क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे को मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने ये सेशन ऑर्गेनाइज करने को बोला है, यही कुछ लोग हैं। सो मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि शील्डिंग या प्रोटेक्शन की डिमांड क्यों कर रहे थे आप, बोल सकते हो? Sometimes we will feel that somebody has done something, some black magic or some evil energies, entities are around us. So we always trouble you to teach us some shielding, ma'am. Protection, protection. I'm sorry because I'm traveling and it is dark. I did not switch on my video. Okay. That's okay, I understood, वरना आप तो हमेशा कर लेते हो। आई नो कुछ तो है इसीलिए आपने वीडियो ऑन नहीं किया। आई यस नो मैम, माय अबाउट माय स्टूडेंट्स। यस मैम, सो यस ट्रूली सेड। सो प्रोटेक्शन एक्चुअली क्या है ना, लेट मी पुट यू दिस वे, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू व्हाई वी नीड प्रोटेक्शन एज अ स्पिरिचुअल बीइंग। ओके, बिकॉज वी ऑल आर इन द स्पिरिचुअल पाथ। सो इसोटेरिक या कैसे भी, इन द ओल्डन टीचिंग्स ऐसा बोला जाता है कि व्हेन यू डू लॉट ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स, मे इट बी रिलीजियस ऑल्सो, बट स्पेशली व्हेन यू आर इन टू स्पिरिचुअलिटी लाइक मेडिटेशन और यू नो वर्किंग ऑन योर कैरेक्टर बिल्डिंग। वॉट इज कैरेक्टर बिल्डिंग? कैरेक्टर बिल्डिंग इज अनकंडीशनल लव, यू शुड नॉट हेट एनीबडी और यू शुड नॉट लाई, बी ऑनेस्ट एंड यू शुड नॉट स्टील, ऐसे सब। सो दीज आर कैरेक्टर बिल्डिंग आज जो आजकल बहुत चल रहा है वैसे, बिकॉज कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ लोग वहां पे अपना मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं ना। दिस इज जेनरोसिटी ऑफ स्टीलिंग, बेसिकली यू आर टेकिंग अदर्स विदाउट अदर्स परमिशन यू आर टेकिंग, और आई डोंट नो, आई मीन इसका रिलेवेंस मुझे आज तक नहीं पता चला, बट स्टिल। सो व्हेन यू डू ऑल काइंड ऑफ, व्हेन यू आर अवेयर एंड यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, योर सोल गेट सो मच ऑफ लाइट, लाइट बीइंग बन जाते हैं हम लोग। वी आर लाइट बीइंग, वी ऑल आर लाइट बीइंग, वी आर ऑल आर इनफाइनाइट सोल। बट उसमें जैसे मुझे ये मेडल मिला, ठीक है नाउ, ऐसे मेडल हमें हायर बीइंग्स आके आपको लाइट के तौर पे देते हैं कि देखो तुमने इनको हील किया, चलो एक लाइट तुम्हारे अंदर बढ़ा, तुमने आज किसी को अच्छा सा एक गाइडेंस दिया जिसकी वजह से उनका जो लाइफ है उसमें सुधार आया, चलो एक और। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बीइंग, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बेसिकली। जो इसके विरुद्ध जाता है उसका ऑरा उतना ही इट इट गोज टुवर्ड्स डार्कनेस, राइट? नाउ दोज आर कॉल्ड ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिशियंस, जो डार्कनेस की तरफ जाते हैं, जो आपको आई डोंट नो हाउ दे एक्चुअली डू, बट देन यस ऐसे ही हम सोचते हैं कि कुछ भी दे दो उनको तो वो किसी का भी जिंदगी खराब कर देते हैं, ऐसे ही कुछ होता होगा, राइट? सो हमारे विरुद्ध है, वी आर वॉट, वी आर वाइट हीलर्स और वी आर लाइट बीइंग्स। सो जब लाइट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, आप इतने सोल को और एलिवेट करते हो, बिकॉज आपसे कोई मिलने आता है और उसको किसी भी तरीके का कोई भी एक पॉजिटिव वाइब मिल जाता है, या आपके गाइडेंस से ही उसके जिंदगी में सुधार, कैसे भी यू नो आपने अच्छा ही खाना बनाया और वो भूखा था उस टाइम में, तब भी आपके अंदर वो लाइट बढ़ गया। ओके, सो ऐसे जब होता है तो यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द अर्थ, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टू फ्लरिश दिस एंटायर थिंग विथ कंपैशनेट मर्सी एंड लव, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर ओन लाइफ। आपके कमिटमेंट हो जाती है लाइफ में कि आपने ये काम करना है। फिर क्या होता है, हायर बींग्स आपको ठप्पा लगा देते हैं, नाउ यू आर अ
हायर बीइंग के साथ काम करने वाले सोल है। जब ऐसे ठप्पा लग जाता है तो क्या होता है, आपके अंदर की जो रोशनी है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं विथ यू नो नॉर्मल फिजिकल बॉडी, बट जो एक्चुअल बीइंग्स है, जैसे हम लोग भगवान बोलते हैं या कोई एंजल बोलते हैं, उन लोगों को हम लोग कैसे दिखते हैं, लाइक अ छोटू सा लाइट। तो जब छोटू सा लाइट में और रोशनी बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, तो दैट बिकम्स अ बिग लाइट। जब बिग लाइट बढ़ जाती है तो यू अट्रैक्ट मेनी काइंड ऑफ ब्लैक बीइंग्स ऑल्सो, व्हाइट बीइंग्स ऑल्सो। एंजल्स को भी अट्रैक्ट करते हो, डीमंस को भी अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि डीमंस कौन है, उनको भी, दे आर ऑल्सो इन द सेम पाथ बेसिकली, उनको भी मोक्ष की तरफ ही जाना है, बट बेचारे भूल जाते हैं या अनकॉन्शियस हो जाता है, कुछ भी बोल लो, डेड सोल हो जाते हैं, उनको नई पाथ दिखता है, वो पाथ से कहीं और चले जाते हैं, कुछ और डिविएशन आ जाती है, बट उनको हम लोग कैसे दिखते हैं, लाइक अ बिग लाइट जिनके अंदर वो घुसना चाहते हैं। प्रॉब्लम तब आती है हमारे लाइफ में जब ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स हमारे अंदर, हमारे लाइफ में घुस के हमें खराब कर देते हमारा लाइफ। तब क्या होता है, जॉब में ट्राई करते रहोगे, जॉब मिलेगा नहीं, कहीं जाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा, पैसा बार बार डेट में ही, रोटेशन में ही रहेगा, शादी वो होते होते रह जाएगी, या शादी होने के बाद बार बार रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉट ओनली शादी का रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैन बी एनीथिंग, आपका और मेरा भी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैन बी विथ योर ब्रदर, सिस्टर, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर बॉस, विथ योर कलीग्स, किसी के साथ भी। सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ब्लॉकेज आ जाती है, कि आपका कोई ना कोई ऐसा हो जाता है जिससे आपको यू नो प्रॉब्लम ही लगी रहती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे रिलेशनशिप यू नो दे आर नॉट वेरी व्हाट डू यू कॉल, हैप्पी टू गो काइंड ऑफ पीपल, सो ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड एंसेस्ट्रल हीलिंग में इस बार एक अनोखी चीज हो कराने वाली, वैसे तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगी, बट इट इज रिलेटेड टू हेल्थ इश्यू, लाइक वेरी नॉर्मल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, जो एक्चुअली बहुत लोग सफर करते हैं। आई नो माय स्टूडेंट्स आल्सो, बट देन आई नो मेनी पीपल आल्सो, दैट कैन आल्सो कम बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ नेगेटिव एंटिटीज एंड एलिमेंटल्स इन योर लाइफ। ओके, सो इन सब से प्रोटेक्शन कैसे कर सकती हूँ, दैट इज ऑल अबाउट दिस क्लास, दैट इज ऑल अबाउट दिस एंटायर जर्नी। ओके, सो लेट